आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तानकर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था, उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलओसी एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। कांग्रेस में बंटवारा हो गया, कांग्रेस में बंटवारा हो गया, कांग्रेस में बंटवारा। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है, उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो, लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप गाली गलौज कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया, गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब दे दो गाली, चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो, क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करें,
तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह। माननीय आप सदन के नेता हैं, आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता है। संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये। नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए। प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है। और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है, स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है, अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए